टेको नेबडे में आप सभी का स्वागत है। परसेंटेज चल रहा है, प्रतिशत चैप्टर है। आरआरबी 2024 जितना भी वैकेंसी आ रहे हैं सबकी तैयारी हम लोग शुरू कर दी है, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। जो चैप्टर शुरू किए हैं परसेंटेज, ये काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे बच्चे कि परसेंटेज शुरू कीजिए, तो फाइनली हम लोग ले आए हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में टाइप वन वीडियो है, इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है कैसे परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, क्या होता है परसेंटेज, समझ चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। यहां पर हम लोग टाइप वन में प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न देखेंगे कि किसी का अगर कुछ परसेंट कम हो गया तो बाकी की तुलना में कितना कम है या कितना अधिक है, इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक है, ये जब हम लोग टाइप्स खत्म कर लेंगे परसेंटेज का, जितना भी टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि वही क्वेश्चंस आने की संभावना होता है, जो रिसेंट एग्जाम में पूछा है वही नेक्स्ट एग्जाम में पूछने का, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछने का संभावना होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए कि गीता की आय सीता के आय से कितने परसेंट अधिक है। तो सिंपल है, 10%। अगर 10% कम है तो 10% अधिक है, ऐसा कुछ बच्चे जवाब देते हैं, बट नहीं है। अब देखिए कैसे होगा, क्या बोला है कि सीता की आय गीता की आय से कम है, तो गीता की आय से सीता की आय एस लेते हैं, गीता की आय जी लेते हैं, ठीक है। और गीता की आय से कम है किसका, सीता का, सीता की आय कितना परसेंट कम है, 10%। तो समझिए अगर गीता की आय 100 है तो 100 में 10% कम होगा तो 10 कम होगा किसका, सीता का, मतलब हो जाएगा 90। सही से समझिए, जिससे तुलना किया है उसको मान लिया 100, किसका तुलना किया है, गीता की तुलना किया है, तो गीता की आय मान लीजिए कि 100 है, ठीक है, उससे 10% कम है। इससे पहले वाला में वीडियो में देखे हैं कि 10% का मतलब क्या होता है, 100 में 10, 10% कम है मतलब 100 में 10 कम है, 100 में 10 कम होगा तो कितना होगा, 90 होगा, तो सीता की आय है 90। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, गीता की आय जो भी है उससे 10% कम हो गया सीता की आय, क्लियर है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब पूछ रहा है क्या कि गीता की आय ये वाला आय इससे कितना अधिक है। तो देखिए हम लोग अधिक कम जो भी निकालते हैं ये डिपेंड करता है किससे तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं। अभी ये 10% कम है, हम लोग निकाले कैसे निकाले, क्योंकि इससे तुलना हुआ, इससे ये कम है, निकाल लिए। जब अधिक पूछ रहा है, यहां पर क्या पूछा है कि गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो गीता की आय कितना अधिक है सीता की आय से, नंबर में 10 अधिक है। और ध्यान रखना है किया कि किससे अधिक है, किससे अधिक है, सीता से अधिक है ना, तो नीचे आएगा सीता, मतलब सीता की आय, क्लियर है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुना 100, 10 खत्म, 10 खत्म, ठीक है, आया क्या 100/90, 100/90। शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको, देखिए डायरेक्ट डिवाइड कीजिए 100/9, आया क्या 100/9, 100/9 आया, 100/9 को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, भिन्न में, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, डिवाइड देंगे कितना में, 11, 9 का 99, 1 बचा, ऊपर चल जाए 1, नीचे 9, इतना परसेंट अधिक है, ठीक है। क्या अधिक है, गीता की आय अधिक है किससे, सीता से। सही से समझिए, जिससे तुलना करते हैं उसका वैल्यू नीचे जाता है, जिससे तुलना करते हैं किससे तुलना किया, कि देखिए यहां पर क्या बोला कि गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है, किससे अधिक है, सीता से अधिक है, तुलना किससे किया, सीता से, ठीक है, इसीलिए सीता का वैल्यू आया नीचे, ठीक है। समझ में आ चुका है, वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में एक नया टाइप के साथ।